समय के बाद जौन समय महाभारत में पांचों भाई पांडव विजयश्री हासिल कैलन हम धर्मराज जी हस्तिनापुर के राजगद्दी पर राजा के रूप में विराजमान भेलन हम भगवान श्री कृष्ण से राय लेकर के पांचों भाई पांडव अश्वमेध यज्ञ ठान लेलन हम और साथ ही साथ अश्वमेध यज्ञ को घोड़ा भी छोड़वा दिया गई। घोड़ा के गला में पत्रिका बदल बाम आगे आगे घोड़ा पीछे पीछे अर्जुन जी अपन फौज लेके और चल गए हैं दिग्विजय की यात्रा पर। लेकिन अर्जुन जी का भाव बा अपने जवानन का उत्साह वर्धन करतु हन। अर्जुन जी एक लाइन यहाँ कव्वाली के नमूना बा कहना बा कि अरे प्यार करने का तेरा यजब धंद तो प्यार करने का तेरा अजब ढंग है, प्यार में तूने कैसी खता कर दिया। अरे खत लिखा था किसी और के नाम से, और लिफाफे पे लेकिन अर्जुन जी अपने जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जय बढ़ो जय, अरे जय बढ़ो जय जवानों चमन पहरा, तो जब विजय का पता तो फोड़ने लगा, तो जय बढ़ो जय जवानों चमन कह रहा, जब विजय का पताका पहरने लगा तो चांद तारे, अरे चांद तारे सभी है नमन कर रहे, जब विजय का पताका पहरने लगा और
धूल से धूसर पिए गगन हो रहा जब विजय का पता तो भरने लगा बाबूजी। दिग्विजय की यात्रा पर अर्जुन जी चले अपनी फौज लेकर के। नियम था जिस राज्य में वह घोड़ा जाएगा अगर उस राज्य का राजा उस घोड़े को पकड़वा लेता है तो उसे अर्जुन के साथ उनकी फौज के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई में यदि वह हार जाता है तो पांडवों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, वरना यदि हार गया तो अर्जुन जी को वापस लौट जाना पड़ेगा। माने अर्जुन जी हार जी हैं तो ये वापस हो जी हमें से नहीं तो लड़ाई करे वाला राजा हार जाए तो पांडव लोगन का अधीनता स्वीकार कर ली। इसी तरह से न जाने कितने राज्यों को जीतते हुए अर्जुन जी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मणिपुर दशवा में अश्व जब पहुंचा पकड़ा बब्रुवाहन उसबार पिता से मिलनवा चलल बा जवनवा अश्व संग साज उपहार। मणिपुर राज्य में अर्जुन जी का घोड़ा पहुंचता है। उस समय मणिपुर की गद्दी पर नौजवान छोकरा जिसका नाम बब्रुवाहन था वहीं बैठा था। वैसे बब्रुवाहन किसी और का बेटा नहीं था, था वह अर्जुन का ही बेटा। वैसे प्रमाण मिलता है बाबूजी कि एक बार अर्जुन जी नागलोक में पहुंचे हुए थे। नाग कन्याएं चित्रांगदा तथा उलूपी पर फिदा हो चुके थे और दोनों से शादी भी कर लिए थे। कुछ दिनों तक पति पत्नी का व्यवहार चलाए नागलोक में रह करके। कुछ दिन के बाद जब पत्नी गर्भवती भैलिन तब इन्हें याद पड़ल हस्तिनापुर का। आ तब अपनी दुल्हनिन से कहलन कि तू लोगन चिंतित मत होइहा, हम जात ही हस्तिनापुर भैया लोगन से भेंट करके आई आ तब तू लेकर के तू लोगन के लेकर के वापस चलब। ये वादा करके अर्जुन जी गैलन हस्तिनापुर। आ गैलन तो फिर वहां में रह गेलन लौटे का नाम नालेहलन। नतीजा निश्चित समय पर गर्भिणी पत्नी से लड़का पैदा भइल, वही लड़िकवा का नाम रखल गे रहल बब्रुवाहन। कहीं कहीं प्रमाण मिलेला कि चित्रांगदा से बब्रुवाहन पैदा रहलन, कहीं प्रमाण मिलेला कि वो लूपी के तन से पैदा रहलन। चाहे वो केहू के तन से पैदा हो लेकिन रहलन तो अर्जुने का बेटा ना। वो समय मणिपुर की गद्दी पर लड़का बैठल बा, घोड़ा पकड़ लेलस, घोड़ा की गला में पत्रिका बधल बा, पढ़ले बा लड़का, सोच गई नाहक खून खराबा होई लड़ाई कैले से, बेहतर तबाम कि हम संधि कर ले। इस सोच के लड़का एक थाली में उपहार सामग्री सजेवलस, घोड़ा का वाग पकड़लस, लेके पहुंच गए सीधे अर्जुन जी के पास। शीश झुकाए के प्रणाम कीलस और कहलस कि हम लड़ाई ना कर जाते है उपहार सामग्री स्वीकार करम आ अपन घोड़ा ला आगे बढ़म। हमें हो गए अर्जुन जी के बड़े बड़े लड़वाइयन के पैर कांप जाला। अर्जुन का नाम है सुनती लड़का पहले घोड़ा पकड़लस आयो जब पत्र पढ़लस देकर हिम्मत ये टूट गई। लगलन अर्जुन जी टांट कसे। हाँ यार व्यंग बोले लगलन वो लड़कवा पर और व्यंगात्मक लहजा में कहलन का एक लाइन गीत बात तनिषा बढ़िया मास्टर तनिषा और बढ़न वह गीत बाम अरे कवनी की आरिया में गजरा मुरैया हो कवनी की आरिया चवरैया हो लाला यही गीतिया के औरत लोग आवेलिन कि सोनन की गुजरैया आहो लाला कहीं कहीं गावेलिन बरतिहन पर लहाय के कि लोटा नियर तुहार हेठा लंगोटा कसा। लेकिन अर्जुन जी
बबरुबाहन से व्यंग में कहलन है, का कहलन है कि अरे बेस्या के कहे बेस्या के पेट से जन्म लाया हो लाला बन गई राजा हम भड़ुआ के बूंद से संवर लाम अहो लाला। अर्जुन जी कहने लगे कि मुझे विश्वास हो गया, मैं पहले से ही सुनता आ रहा था कि यह राज्य वेश्याओं का राज्य है, इस राज्य में वेश्याएं बसा करती हैं। अब मुझे विश्वास हो गया, तू भी किसी वेश्या के तन से पैदा है, किसी भड़ुआ के बूंद से तुम्हारी पैदाइशी हुई है, नहीं तो जिस नाज के साथ घोड़ा पकड़ लिया था उसी नाज के साथ तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी चाहिए थी। इतने ना ही बबरुबाहन चुपचाप सुन रहल बा, आ तवलेन अर्जुन जी कहलन है, का कहलन है कि अरे तबला कहे तबला बजवला हरा मुनिया बजवला हो झनका कर गाने वाले की औलाद, घुघरू झनका कर नाच कर गाने वाले की औलाद, लड़ाई तेरे बस की बात नहीं, तू क्या जानेगा लड़ाई क्या चीज होती है, अगर वीर पुरुष का बेटा होता तब तो लड़ाई के बारे में तुम्हें जानकारी होती, दस्या के देश का राजा है ना, तो यहाँ का राजा उसी ढंग का होगा, यहाँ के नागरिक जिस ढंग के होंगे वहाँ का राजा भी उसी ढंग का होगा। कहते हैं अर्जुन जी के रे तबला बजवला हरा मुनिया बजवला हो तो काहे ना, अरे काहे ना घुघरू झनक वलाया हो लाला भैया सहन करे कभी कोनो सीमा होला। हाँ भाई। बार बार अर्जुन जी व्यंगात्मक लहजा में वो लड़कवा पर बोले जात हुवन, आ जब सीमा से ज्यादा बोले शुरू कैलन तब वो लड़का के अब धीरे धीरे धैर्य का बांध टूटे लगा, धीरे धीरे क्रोधावेश में आने लगा बबरुबाहन, नैन अंगारे बन गए, रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम में उत्साह भर गया। और अर्जुन जी को रोक करके बबरुबाहन कहता है कि ऐ लड़ाई करने वाले, मैं वेश्या के तन से पैदा हूँ, भड़ुआ के बूत से पैदा हूँ, मैं तो ये सोच करके आया था कि खून खराबा न हो, लेकिन जब तू मुझे चुनौती दे दिया तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं वेश्या की औलाद नहीं, भड़ुआ की औलाद नहीं, वीर पुरुष का ही बेटा हूँ। रुको, कहता है बबरुबाहन, तेरी के भाव बा मास्टर, के भूमंडल भी रंगीन होएगा, रोंगटे रोंगटे फड़क उठे तम तमा उठा मुखमंडल, भूमंडल भी रंगीन बबरुबाहन कहने लगा, कह पड़ा लाल बोला रुकना, करके दहाड़ बोला नहर, करके दहाड़ बोला नहर, धिक्कार तेरी बिरताई को, खाली खंजर ना जाएगा, धिक्कार है कृष्ण मिताई को, गमगीन किया माँ का दामन, क्यों दोष लगाया माई को, घायल जरा भय टूक टूक, धिक्कार पार्थ बलिदाई को। सुनो, मैं लड़ाई की तैयारी करके नहीं आया था, अब मैं जा रहा हूँ, लड़ाई की तैयारी करके आऊंगा, तेरे मेरे बीच युद्ध होगा, संग्राम होगा, लड़ाई होगी, मैं सिद्ध करूंगा वेश्या के तन से पैदा हूँ अथवा भड़ुआ के बूंद से पैदा हूँ, या किसी वीर पुरुष का बेटा हूँ, किसी वीरांगना की गोद में मेरा जन्म हुआ है। बार बार चुनौती दे रहा है कि हम चलते हैं लड़ाई की तैयारी करें,
तू रुकल रही ऐसा नौका कि हम चली घरे लड़ाई के तैयारी करे तू तो सरकावा नाला मत धैली तो चल पड़ा लाल बोला रुकना चल पड़ा लाल बोला रुकना मैं अभी समर में आता हूँ छैला छटका ना छोड़ूंगा क्या कायर हूँ दिखलाता हूँ जब ज्वार समंदर में आता जब ज्वार समंदर में आता नावें बह जाती घाटी में झारू गर्मी क्यों इतराए अब लहू सनेगा माटी में गया बबरू वाहन महल में जाकर के लड़ाई की तैयारी किया साज सज्जा से सुसज्जित होकर के आ गया लड़ाई के मैदान में अर्जुन जी के सामने और जब अर्जुन जी के सामने आया तो आकर के ललकार करके कहने लगा क्या कहा गीत बाई हाँ वह गीत बा कि पिया परदेश जठान नहीं हरवा अरे पिया परदेश जठान नहीं हरवा तो भसुर सुतलन मचान पे हम बिकाय गईली है कबीरा पान पे इतरहल गीत के नमूना लेकिन बबरू वाहन लड़ाई के मैदान में आए के अर्जुन जी के ललकार के चुनौती दे के कह रहल बा का कह रहल बा के दर्जन ललनवा अर्जुन के समनवा तूफान में अरे देख के तना बजोर मोर बान में बा भैया बा लड़ाई शुरू होवे वाली बा चुनौती दे रहल बा न कहले के देरी भइल न लड़ाई शुरू भइले के देरी भइल एक तरफ से अर्जुन जी उनकर फौज एक तरफ से बबरू वाहन का फौज लड़ाई जब शुरू हो गई या भाव देवे के पड़ल तन्नी साबर के कि कटी कटी गिरन लगे हो मोरे रामा अरे कटी कटी गिरन लगे मर दन के गारा दानवा हो मतनवा तहिया भैली घर काम किरण मन अरे रण मन पार्थ वीर गरमाई रामा रामा अरे हमर रामा तोरण में पार्थ वीर गरमाई हनी हनी अपन बाण चलाई बाण से अग्नि रहे बरसाई सेना बबरू की चली पराई जिस समय अर्जुन जी अपनी बाण वृष्टि जारी किए बाणों का व्यवछार जब शुरू कर दिया अर्जुन जी अपनी ओर से अर्जुन के बाण व्यवछार को देख करके बबरू वाहन की पूरी फौज भग गई मगर बाहर बबरू वाहन कहा गया है कि हो नहार बीरवान के होत चीकने हा तो वह अर्जुन का ही बेटा न एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा है बल्कि वह सिद्ध करने पर तुला है कि मैं वीरांगना की गोद में जन्म लिया हूँ वीर पुरुष का रक्त मेरे तन में प्रवाहित हो रहा है होता है क्या रण में पार्थ वीर गरमाई हनी हनी अपन बाण चलाई बाण से अग्नि रहे बरसाई सेना बबरू की चली पराई बढ़ता वीर समर में रामा बढ़ता वीर समर में अर्जुन पहला लानवा हो मसनवा तहिया भैली धरती आना देखा लड़ाई तो छियल लेकिन लड़ाई का परिणाम एक नजर में का निकलल
के बाजल बबुर वीर के डंका पारथ के दिल हो गई डंका पारथ के दिल हो गई डंका सिर पे कागा लगे मर रागे सिर पे कागा लगे मर रागे विदल दल तब लगे चिलाने बाण एक बबुर वीर तब छाती लिया अर्जुन की गर्दन काटी। लड़ाई के मैदान में अर्जुन जी के ऊपर एक ऐसा बाण चलाया बबरुबाहन कि अर्जुन जी के धड़े और सर दोनों अलग अलग हो गए, धराशायी हो गए, दम टूट गई अर्जुन की। तो कहना पड़ा कि बाण एक बबुरु वीर तब छाटी लिया अर्जुन की गर्दन काटी हाहाकार मचल तब रामा हाहाकार मचल तब डोले अर्जुन जी का अंत करने के बाद बबरुबाहन मस्ती में झूमता हुआ चल पड़ा घर की ओर। सोचता जा रहा है, चल करके घर पर माँ से कहूंगा कि माँ जो तुम्हें बेश्या कहा था, जो मुझे भणुए की औलाद बताया था, उसका काम तमाम कर दिया माम, तुम्हारे दूध की मर्यादा को मैंने बचा लिया। जब अंगना में पहुँचलन है, महल में पहुँचलन है, तो वहाँ का दृश्य कुछ और रहल। का रहल कि आंगन में तुलसी का पौधा तुरत गया मुरझाई प्राणनाथ कहवा तू गईला उल पीरई बिलकाई ओम भूमंडल बिरंगी पहुंचा लाल माल में देखा जाले मंगला। महल में देखता है कि माँ छाती पीट पीट करके रो रही है। कहता है रे माम रोने का वक्त नहीं है, खुशियां मनाने का वक्त है। माँ जो तुम्हें बेश्या कहा था उसका अंत करके मैं आ रहा हूँ। माँ कहलन की बेटा बड़ा बढ़िया कीला, लेकिन एक बात का जवाब हम के देबा। कहलन की बोला माई पूछलन की जब तू लड़ाई करे जात रहला बेटा वो समय तुलसी का पौधा जब अंगना में बा एकर का रंग रहल। लड़का कहलस की बिल्कुल हरा भरा रहल, हरियर रहल, अब कोना रूप में देखत हुआ बेटा। बबरुबाहन कहलन की माई ई तो मुरझा गेल बा सूख गईल बा। माई कहल की बेटा यही में सारा रहस्य बा, जब तुहार बाबूजी यहाँ से हस्तिनापुर जात रहलन ये तुलसी के पौधा के अपने हाथ से लगौलन और कह के गेलन कि जब तक से पौधा हरा भरा रही समझ लिया तुहार सुहागे दुनिया में कायम बा, जब पौधा सूख जाई समझ लिया तू अपने के विधवा मान लिया तुहार सुहागे दुनिया में ना बा। तब बेटा जे के मार के अवत हुआ ऊ के हुआ और निखे जनात ऊ है तुहार बाबूजी हुवन। रो रो के माई बड़ी मार्मिक बात कहलस अंतिम प्रमाण में का कहलस कि अरे केवन तुहरे कैली हम कसुरवा हमारे बेटा हो केवन तुहरे कैली हम कसुरवा हमारे बेटा हो हम डाले दियला मनिया कैसे नुरवा हमारे बेटा हो नवा महीना कवन कर नवा बेटा भैल दुश्मनवा तो प्राण गवई बन खाके अब महुरवा हमर बेटा मिटाय दियला मनिया के सेनुरवा हमर बेटा। बेटा आखिरकार जेके मार के आवत हुआ वो हमार सुहाग रहलन सिंदूर रहलन, हम पहले सिंदूरवती रहली, आज तू अपने हाथ से अपने पिता के मार के आवत हुआ अपनी मतारी के विधवा बना देला बेटा। तो जो ने हाथ से अपनी मतारी के विधवा बनवला वही हाथ से थोड़ा सा जहर हमके दे दा, हम जहर खा के मर जाए चाहते अब ये दुनिया में जीवित ना रह चाहते। अगर जहर अपनी मतारी के अपने हाथ से ना दे सकेला बेटा एक दूसर काम कह दा ऊ का।
तेरे सती होई जाई बदबा लाश मनवाई हो। सुन के बबरू बहन रहल गौर मन जमाई हो। लाश मंगवा दे अपने बाबूजी के, वो लाश के साथ चिता में जल के भस्म भूत हो जाए चाहते, सती बन चाल चाहते। कुछ देर तक मतारी के बाद पर बबरू बहन विचार की लन, अचानक अपनी मतारी से कह पड़लन है, का कहलन है, अरे रखे अपने मनवा में सबुरवा हमारी माई हो। तो रखे अपने मनवा में सबुरवा हमारी माई हो। अमिटे न देव मंगिया के सेनुरवा हमारी माई हो। अरे माई चिंता मत करम, रोवा मत, रोवल बंद करम। जवने हाथ से हम अपने बाबूजी के अंत कह के आए हैं। जो बेटा अपने बाप की जान लेना जानता है, वह बेटा अपने बाप को जिलाना भी जानता है। इतना कह के बबरू बहन धनुष बाण उठौलन है, तुरते धनुष पर बाण रखलन है, डोरी कान तक चढ़ौलन है। आकान तक डोरी चढ़ाई के मारे क्रोध में बबरू बहन बाण चला देहलन। कहाँ बाण चलौलन, आ का किलन वो बाण के बल से बबरू बहन। अरे मारा बबरू बहन तब नागलो का बनवा हो। अरे मारा बबरू बहन तब नागलो का बनवा हो। मंगवाया कुंडवा से तवन छनवा हो। बाण चला दिया बबरू बहन नागलोक के लिए। नागलोक में पहुंचा, वह बाण अमृत कुंड से अमृत लेकर वापस आया। उस अमृत को लेकर के बबरू बहन बाण के बल से अमृत मंगाकर बबरू बहन उस अमृत को लेकर के पहुंचा समरांगन में, लड़ाई के मैदान में, जहाँ अर्जुन जी के धड़ और सर दोनों अलग अलग पड़े हुए थे। दोनों को बबरू बहन बैठकर धड़ और सर को दोनों को एक में सटाता है। कटे हुए स्थान पर अमृत की बूंदे टपकाता है। अमृत का ऐसा प्रभाव, अमृत के प्रभाव से अर्जुन जी पुनः जीवित हो उठे। जब जीवित हो उठे उस समय बबरू बहन दौड़कर अर्जुन जी का चरण पकड़ लिया, पिताजी शब्द से संबोधित किया। और जब पिताजी शब्द से संबोधित किया अर्जुन जी आवाक, अरे बेटा तू मुझे पिताजी शब्द से संबोधित कर रहा है, क्या बात है? कहा कि बाबूजी मैं सारी बातों से अवगत हो चुका हूँ। पहले तो मैं नहीं जानता था आप हमारे पिताश्री हैं, परंतु अब जब जानकारी हो गई तो ऐसी गलती कैसे हो सकती है। एक बेटे के द्वारा बाप की हत्या हो। बेटा यदि समर्थवान है, सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, तो अपने बाप को जिला भी सकता है। वही मैं दुहराया, वही मैं किया। बाप बेटे दोनों गले से गले मिलते हैं, परिचय होता है, संधि होती है। फिर अर्जुन जी आगे को प्रस्थान करते हैं तो कहना पड़ा कि अरे उठे पार्थ तब करते जय जय करवा हमारे बेटा हो। और लगाई लिहले तुरते अपने गरवा हमारे बेटा हो। अंत में सहर्ष मणिपुर कि गद्दी पर बैठने वाला वह नौजवान छोकरा बबरू बहन अपने पिताश्री को विदाई दिया और दिग्विजय की यात्रा पर अर्जुन जी फिर आगे बढ़े। तो ये महाभारत का प्रसंग रहा जिसका शीर्षक है बाप बेटे की लड़ाई। लड़ाई का परिणाम बाप बेटे के द्वारा मारा गया और बेटे के हाथों से पुनः जीवित किया गया। तो कहना पड़ा कि राजपुरम श्री सद्गुरु स्वामी देते सच्चा ज्ञान, जखान जद्दू लौटन रोदन लालता करे गुणगान।
जंगल भूमंडल बिरंगी न हो श्रोता सज्जनों, मैं आप लोगों के सामने यह जो विराम पेश करने जा रहा हूं, यह विराम मैक कैसेट के सौजन्य से स्थान रिकॉर्डिंग स्थान नीलम स्टूडियो पांडव नगर दिल्ली से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस गीत का शीर्षक है कंसबद्ध। जानकर मौत को क्यों चुनौती दिया, मांग लो मांग मुक्ति कमना करो। नाम का साम बेदाम मिलता सदा, मस्त मालिक से ले लो तू भय ना करो। हो के मानो मनुजता का परित्याग कर, दानवीय दुर्गुणों से अलंकृत हुआ। रार करना मुरारी से महंगा पड़ा, जब महाकाल का तार झंकृत हुआ। एक लाइन यहाँ कव्वाली के नमूना बा, वह बागी कि नकाबे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं, मैं तो पीता नहीं जबरी पिलाई जाती है। लेकिन यहाँ गाना के अंदर भाव दिया गया है, कहना है कि मजा मिले तो कजा से भी प्यार हो जाए। मजा मिले तो कजा से भी प्यार हो जाए। मजा मिले तो कजा से भी प्यार हो जाए। मजा मिले तो कजा से भी प्यार हो जाए। मजा मिले तो कजा से भी प्यार हो जाए। मगर रसूल का एक पल दीदार 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 हो जाए। यही से कहानी की शुरुआत है। कहना है के बहन के धाम चला रथ पे बिठाए कंसा, मौत के मूल से ही नेह लगाए कंसा। व्योम से बाड़ी हुई सुन के बौखलाया है, जेल में बहनियों बहनों ही को डलवाया है। मामा के हाथ सात का संहार हुआ, आठवीं बारी में बनवारी का अवतार हुआ। आठवीं बारी में बनवारी का, आठवीं बारी में बनवारी का अवतार हुआ। 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 बाबूजी, भाव उसी समय का है जबकि
कंस अपने अपनी चचेरी बहन देवकी और बहनोई को रथ पर बिठाकर पहुंचाने के लिए जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी यो हुई कि जिस बहन के प्रेम में पागल तुमसे पहुंचाने जा रहे हो, उसी बहन की आठवीं संतान के द्वारा तुम्हारी मौत होगी। कंस सोच गया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अतः बहन और बहनोई को जेल में डलवा दिया इस करार के साथ कि जितनी भी संतानें तुम दोनों से पैदा होंगी सबका मैं वध करूंगा। जेल में तो डलवा दिया, क्रमशः बारी बारी से सात संतानों की हत्या भी कर दिया, परंतु आठवीं बारी में जब भगवान श्री कृष्ण जेल के अंदर अवतार लेते हैं उस समय का भाव दिया गया है। कहना है कि मुद्दई लाख हम पर कैसे कोई मारेगा, स्वयं सरकार ही जिसका गुहार हो जाए। स्वयं जो रूप धारण करके इस धरातल पर आया है, उस कंस का अंत करने के लिए उसका अंत कैसे भला हो सकता है? यह संभव ही नहीं है। एक लाइन यहाँ गीत लगत बा, कजरी का गीत मास्टर तनी सा बढ़िया। वह गीत बाकी रू नजू ने खोला ना हो के वड़िया, हम विदेशवा जाई बहना। जो तू हूँ ये राजा विदेशवा जई बना हो सवरिया, विदेशवा जई बना सवरिया, विदेशवा जई बना। हमरा बाबा के बुलवाई दा, हम नहीं हरवा जई बोना। हमरा बाबा के बुलवाई दा, हम नहीं हरवा जई बोना। लेकिन जौने समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार जेल के अंदर मथुरा में भइल बाम, ओ समय का भाव दिहल गेल बा, कहना बाम कि हरि जी जन्मे जेल मझार कन्हैया मथुरा हो नगरी। हरि जी जन्मे जेल मझार कन्हैया मथुरा हो नगरी, हरि जी जन्मे जेल मझार कन्हैया मथुरा हो नगरी। हाथ हथ कड़ी छूटल टूटल पैर की बेड़िया ना हो कन्हैया, पैर की बेड़िया ना हो कन्हैया, पैर की बेड़िया ना। संवरिया सो गए पहरेदार, संवरिया सो गए पहरेदार, नींद से मातल नजरी। संवरिया सो गए पहरेदार, नींद से मातल नजरी। प्रमाण मिलता है बाबूजी, जिस समय भगवान का अवतार हुआ जेल के ताले अपने आप टूट गए, आधी तूफान अपनी चरम सीमा पर थे और पहरेदार जो थे जेल के दरवाजे पर वो गहरी नींद में खर्राटा लेने लगे। माँ बाप के हाथों की हथकड़ियाँ पैर की बेड़ियाँ टूट जाती हैं, आकाशवाणी होता है। आकाशवाणी यही सुनाई पड़ी माँ बाप को कि गोकुल में नंद के घर एक कन्या जन्म ली है, इस नवजात शिशु को वहाँ पहुँचाओ और उस कन्या को लेकर के जेल में आ जाओ। फलस्वरूप वासुदेव जी करते हैं क्या कि वासुदेव ले सुवन सूप में गोकुल अइले ना हो सवरिया, गोकुल अइले ना हो सवरिया, गोकुल अइले ना सवरिया, गोकुल अइले ना हो सवरिया, गोकुल अइले नंदलाल रंगदार, कहले नंदलाल रंगदार कन्हैया टेरत बांसुरी। कहले नंदलाल रंगदार कन्हैया टेरत बांसुरी, कहले नंदलाल रंगदार कन्हैया टेरत
वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को नंद के घर पहुंचाते हैं और कन्या को लेकर के जेल में आ जाते हैं और स्थिति पुनः पूर्ववत हो जाती है। लेकिन इधर जब जेल में बच्ची रोती है, कंस खबर पाता है, जाता है बहन की गोद से उस नवजात कन्या को छीन लेता है। परिणाम जो ही पत्थर पर पटकना चाहा, हुआ क्या कि छुटली ललनिया मुदैया के हाथावा से खुली गई भेद वाली बात मोरे बाबूजी। गोकुला में मोरा काल नंद के भवनावा में घटिया लगावे लागल घात मोरे बाबूजी। कन्या कहती है कि तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है, मुझे मारने से तुम्हें कोई भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। कंस जब कंस इस खबर को पाया, भेद को पा गया कि मेरा दुश्मन तो नंद के घर पहुंच गया है, अतः उस दुश्मन को मिटाने के लिए अपना प्रयास शुरू कर देता है, अपनी जाल बिछाना शुरू कर देता है, साजिश रचना शुरू कर देता है। एक लाइन गीत लगत भैया मास्टर कौन हो तनी सा बढ़त बताई। अब पिया पिया परदेश घर देवर गंवार हो झूलनिया के मोल मांगे चुम्मा सोनार हो झूलनिया के मोल मांगे लेकिन गाना के अंदर भाव दिया गिलबा बारी बारी से साजिश रस के कंस आ कृष्ण के मरवावे खातिर के गोकुल में भेज रहल बा। लेकिन जे भी जाए सफलता ना पावे उनका अंत हो जाए। जैसे में भाव दिया गिलबा कि अब त्रीणावर्त बांका सूर पुतना के मार हो बेकार कैले पपिया के पापी विचार 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 हो बेकार कैले पपिया के। जितने भी कंस के द्वारा भेजे गए हत्यारे सब के सब मारे गए। परिणाम एक दिन कंस शिकारी बनकर के जंगल में चल देता है शिकार करने के लिए। होता है क्या कि बैठे ध्यानस्थ परशुराम जी बनावा में आ पहुंचा शिकारी कंस पास ते ही छनावा में कहे मुनि राई अब कहे मुनि राई क्रोध कर के अपार हो कपार भइले पपिया के अब मौत सवार हो कपार भइले पपिया के मौत सवार हो कपार भइले पपिया के मौत सवार हो कपार भइले पपिया के मौत सवार हो कपार भइले पपिया के। शिकार करने के लिए जंगल में जाता है कंस। शिकार करते करते पहुंच जाता है उसी जंगल में जिस जंगल में परशुराम जी ध्यान में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। और परशुराम जी का यह नियम था कि उस जंगल में कोई आएगा नहीं, जो भी आएगा तो परशुराम जी के द्वारा एक शर्त रखी गई थी, उस शर्त को निभाना पड़ेगा। कौन सी शर्त बता रहे हैं भैया, क्यों घबरा रहे हैं आप। कंस जब पहुंचता है परशुराम जी की कुटिया पर तो परशुराम जी देखते ही क्रोध में आ गए और क्रोधित होकर कंस से कहने लगे कि ये नीच कंस क्यों आया तू, ये नीच कंस क्यों आया तू, निज पौरुष का अभिमान लिए कर नियम उल्लंघन क्यों आया, अपने उर में अपमान लिए, मेरे नियमों का उल्लंघन तूने किया है, तो जब आ गए हो तो मेरी शर्त तुम्हें निभानी होगी। कौन सी शर्त रखते हैं कि आया तो शर्त निभाना है, आया तो शर्त निभाना है, शिव धन को तुम्हें उठाना है, कर गर उठा सरासन ना तुझसे तब समझो शीश कटाना है। शिव जी का धनुष परशुराम जी लेके रख ले बाणन, कहलन कि यही धनुया के तुहे के उठावे के बा, अगर धनुष के ना उठाई बा तो तुहार गर्दन काट लेब हम, आ नहीं उठा लेब तो तू घरे लेके चल जइह। परशुराम जी कहलन कंस से का कहलन, एक लाइन गीत बा तनी सा बढ़ जा।
वे गीत बाकी पपी है राम हरि के बोल जिन बोला पपी है राम हरि के बोल राम हरि के बोल जिन बोला पतिहरा हरि के बोल जिन बोला पतिहरा हरि के बोल जिन बोला। लेकिन परशुराम जी कंस से का कहत बड़न कि धनु ही आ ले जा उठाय घर वापस जाने कितना जन कुटिया पे यही ले भैले बेकार वाला शीश कटी गई ले आज ना चल मौत तुहर सिरवा पे धनु ही आप ले जा उठाय घर वापे कंस के सामने यही विकल्प है, मैं उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा, फिर भी हिम्मत करता है कि नहीं उठाऊंगा तो यही न कि गर्दन मेरी कट जाएगी। परिणाम तेरी का भाव है कि अब मुनिवर का खाली वार चल गया। क्यों कि मौत को दिया चुनौती कंस बजा कर ताली मुनिवर का खाली वार चल गया। चल पड़ा उस शिव की धनुष को उठाने के लिए और जब चल पड़ा उस समय का भाव दिया गया है कि कुटिल कल्पना परशु की कुटिल कल्पना परशु की खंडित कर दिया कंस मुस्काए चतुर चाप धर उठा लिया छ नहीं में राम गए मुरझाए। टूटा टंटा रक्तपात का ठेस लगी जब मनसा को तेवर बदला परशुराम का दिए धनुष वह कंसा को। जाकर के कंस उस धनुष को उठा लेता है और जब उठा लिया परशुराम जी की सोची हुई बात जो मन की बात थी मन ही में रह गई। परिणाम धनुष दे देना पड़ा वायदा के अनुसार और जब दे दिए परशुराम जी उस धनुष को कंस उस धनुष को पाया और लेकर के चल पड़ा मथुरा की ओर। तो यहाँ गीत एक लाइन दिहल गिल बा अताउल्ला खां के आवाज में गीत कैसेट से आप लोग सुन जाला कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का अब अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का लेकिन कहना है कि लैके धनुष घर आ गया छली अब लैके धनुष घर आ गया छली बड़ी बलशाली बउरा गया छली मथुरा में आया और सोच लिया कंस की अब तक जितने भी मेरे उपाय कृष्ण की हत्या के लिए रचे गए सारे के सारे उपाय बेकार साबित हुए हैं, लेकिन इसी धनुष के माध्यम से मैं उपाय अब सोच करके और कृष्ण की हत्या कराऊंगा कृष्ण का अंत कराऊंगा। परिणाम उसी धनुष को लेकर के जब मथुरा में आया कंस तो शिव की धनुष को एक जगह रखवा दिया एक वेदिका बनवाकर और वेदिका बनवा करके ऐलान करा दिया। कौन सा ऐलान कराया क्या ऐलान कराया
कि मथुरा में धनुष सजा के रचवाया है। और साथी अक्रूर जी को पास में बुलाया है। श्वास में बता गया छली, अरे बैरी बलशाली बहुरा गया छली। धनुष यज्ञ रचवा दिया, ऐलान करा दिया चारों तरफ, और मथुरा के ही रहने वाले बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे अक्रूर जी, जिनकी बातों पर प्रायः मथुरा और गोकुल दोनों यहाँ के लोग प्रायः विश्वास कर लिया करते थे। उन्हीं अक्रूर जी को बुलवाया, क्रूर ने बुलवाया अक्रूर को और समझाया कि आप चले जाइए गोकुल में। अक्रूर जी कहते हैं, गोकुल में जाने का उद्देश्य क्या है आपका? तब बताने लगा कंस, एक लाइन गीत लगत बा मास्टर, कि ये राम पनिया में कबुड़वा बाबा रख मोर इज्जतिया बड़ हो राम। लेकिन कंस का कह रहल बा क्रूर जी से, कि ये रामा गोकुल में जानंद भवन पे दिहल खबरिया आव हो ना। भगवान सब आवे दही दूध मक्खन मलाई सब लावे। ए राम बलदाऊ संग मोहन टेरत बसुरिया आव हो ना। के नंद बाबा के समझा दी, जितना गोकुल नगरी में दही दूध इकट्ठा हो सके सब इकट्ठा कराए के ग्वाल बालन के साथ ले के, और विशेष करके बलराम और कृष्ण के भी साथ लिया के चली हन। काहे कि हमार विचार कर दो अपने भांजा के देखे बदे। भैया ई जोन बाम खबर अक्रूर जी जाके नंद बाबा के दिलन हम। नंद बाबा तुरंत तैयार, नगर निवासियों को बुलाते हैं, दूध दही इकट्ठा कराते हैं और पूरी जमात लेकर के चल पड़ते हैं। अक्रूर जी आगे आगे, पीछे पीछे नंद की पूरी जमात। जब मथुरा के पास पहुंचते हैं, मथुरा नगर से अभी कुछ दूरी पर हैं सभी लोग, तब तक से अक्रूर जी सबको रोक दिए और वहीं पर रोक करके कहते हैं कि भैया मैं जा रहा हूँ, अब कंस के यहाँ खबर दे दूं ताकि स्वागत के लिए किसी को भेजें और सम्मान सहित आप लोग नगर में प्रवेश करें। इतना वादा कह के अचल देलन हम पहुंचलन है कंस के पास। उगैलन है खबर दे बबदे, खबर देलन है आयने जोन पड़ाव परल बा मथुरा के बाहर, वहां सब केहू बैठल बा। तबले भगवान कृष्ण खड़ा हो गेलन, आनंद बाबा से कहलन, का कहलन? गीत वह बा कि श्याम ऋषि आ गईले है झगड़ा कोई करे। श्याम ऋषि आ गईले है झगड़ा कोई करे। अरे श्याम ऋषि आ गईले है झगड़ा कोई करे। लेकिन मोहन कहलन कर जोर मोरे बाबा की घूम के मन कर मोर मोरे बाबा। मार मन करत बा मथुरा नगर घूमे खातिर के, कही तत बाबा नगर घूमी आई थी, कही तत बाबा नगर घूमी आई थी, अरे माने अपने जिगर के पूरा थी।
भांति घूमे के मन करे मोर मोरे बाबा। नंद बाबा बलराम और कृष्ण दोनों जने के आदेश कह दिले ना कि जा लोगन, लेकिन देखा भाई कोनो ऐसा काम मत करिया कि हमारे के पास सुलहा ना आवे। दोनों जने चल दिले ना अल्लाह के भाव दिल गिलवाम एक पति और थोड़ा सा बढ़ा आए कि अरे जुगल जोड़ी अच्छा लल संगवा में भैया नगर घूमत हुए दोनों भाई। जे केहू देखत बा बड़ी तारीफ करत बा ये दोनों भाई के सूरत के, अचानक कुब्जा के नजर पड़ल दोनों भाई के घर में बुलौली न सेवा कैली न। कुब्जा बड़ी सुघर बान, लेकिन अयब उहे बा कि कुब्जा के पीठ पर तीन ठे कुबड़ बा। भगवान कृष्ण स्वागत स्वीकार के लिए कैलन है काम अल्लाह बदल दा। ये सेवा की ही न ले जा घर मजा प्रभु के प्रताप थी कुबड़ हो गई ले कही अपना लाया बहम के खरार हमें अपना ला। वादा किलन की कंस के अंत केले के बाद तुहे हम अपनाई। दोनों जने फिर चल देलन श्याम बलराम गईले जगकी में हरियाम तब शिव की धनु सजा रही मोरे यार झटके न श्याम गए धनुष वेदिका परम तोड़ ले उठाए के सरासन संहार अरे तोड़ ले उठाए के सरासन संहार तो लगली अग्निया बदनिया में उनकी अरे लगली अग्निया बदनिया में उनकी क्रोधवा में अखिया बनल बयंगार कहे घेर लो बहादुरो मिटा दो छलिया को बाबूजी। दोनों भाई घूमते हुए यज्ञशाला के पास पहुंचते हैं और अचानक भगवान कृष्ण झटके में पहुंचते हैं यज्ञशाला की वेदिका पर जिस पर शिव की धनुष रखी गई थी उठाकर तोड़ दिए। कंस क्रोधावेश में आकर अपने जवानों को ललकार दिया घेर लो इसे जान से मार डालो। लड़ाई छिड़ गई, एक तरफ बलराम श्री कृष्ण दूसरी ओर कंस के अनेक बहादुर, लेकिन विजयश्री हासिल हुई इन दोनों भाइयों को। सबको परास्त करते हुए अंत में भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं कंस के पास और कंस से जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं आखिरी प्रमाण में कि देख कर कंस गया घबराई बोले पास कन्हाई आई बहुत मनवा के पुआ तू पकवला मामा जी बहुत मनवा के पुआ तू पकवला मामा गद्दी खातिर नाना के तू डलल कारागार नीच कसाई बहन के बनन रखल गेल मझार हार कुब्जा के अपने घरवा के बनवला मामा जी। इतना कह कर मार मुष्टिका नीचे दिए गिराई चढ़सी ने पर गला दबायन दिहले प्राण गवाई जाय के नाना माई बाबू के छोड़वला मामा जी। Oh, 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 oh,
मौत को चुनौती देने वाला कंस स्वयं अपनी मौत के द्वारा ही मारा गया। तो राजपुरम श्री स्वामी करके मानो धर्म महान, जखाड़ जब तू लौट राधे लालका करे गुणवान हो। मुनिवर का खाली वार चल गया, लेख सुदयाल बच्चन सुधर पर सुधाली, मुनिवर का खाली वार चल गया।